हम लोग बहुत दिनों के बाद हंस रहे हैं। आज हम लोग मतलब हमारे चेहरे पे खुशी है, हंसी है, नहीं तो हम लोग के चेहरे पे 12 बजे। तो गाइस चलिए, आप लोग को मेरा देखने को मिलेगा नया घर कैसा है, आप लोग को जरूर हम दिखाएंगे। Not right now, right? So I do not have the car right now, but in some time, let's say by maybe end of August, I'm planning to buy one. Okay. Thank you very much again, Jake. Bye. हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल उडन खटोला ब्लॉग में। तो गाइज, आज आप लोगों को मेरे फेस से कुछ तो पता चल रहा होगा कि मैं क्यों इतनी स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो जो बन रही थी वो मतलब टेंशन वाली वीडियो बन रही थी, क्योंकि मेरे चेहरे पे वो टेंशन दिख रहा था। और वो टेंशन का रीज़न भी मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ कि किस वजह से हम थोड़ा टेंस चल रहे थे, परेशान चल रहे थे। एक्चुअली इंडिया से ही हम परेशान चल रहे थे घर को लेकर, और फाइनली जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज 31 जुलाई है और मतलब भगवान की कृपा से हम लोग को जो घर देखे थे वो घर की कल मिल जाएगी। और फाइनली हम लोग यहाँ से जो टेम्प्रोरी बेसिस पे रह रहे थे, यहाँ से हम लोग अपने घर में मूव कर जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है कि फाइनली अब यहाँ से जाएंगे तो कुछ दिन जो है, जितना दिन तक रहेंगे उतना दिन तक मैं रिलैक्स रहूँगी, क्योंकि काम के साथ साथ कहीं ना कहीं ये सारा टेंशन चल रहा था कि मैं फिर से यहाँ से टेम्प्रोरी बेसिस पे जाऊँगी, पैकिंग करूँगी, क्लोजिंग करूँगी, फिर वहाँ से वहाँ मूव करो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो मेरे फेस पे दिख रहा था। तो गाइस, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और यहाँ पे घर लेना ना जैसे खरीदने जैसा ही समझिए कि है, इतना इजीली घर मिलता भी नहीं है, और फाइनली मिल गया। ऊपर वाले की कृपा है, थैंक यू। और आप लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने हमें ऐसे घड़ी में अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके मुझे अपना प्यार दिखाया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन लोगों को भी थैंक यू जो मुझे इस घड़ी में मुझे थोड़ा सपोर्ट किया और प्यार करिए। ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट और प्यार और भी देते रहिए। आप लोग की दुआ और दया से ही मैं आगे बढ़ूँगी और बाकी तो मेहनत मैं करूँगी। तो गाइज, अब टाइम आ गया है मेरा पैकिंग करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि आधा घंटा भी आद्या को खिलाने में मेरे पास टाइम है, और 8:30 बज रहा है शाम को। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो रूम वाला चीज़ है ना वो पैक कर लेती हूँ। क्यों नीचे बैठे हो यार आप लोग? हम लोग मतलब बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा आज इंजॉय हो रहा है। लास्ट डे। और गाइज, ये जो है ना बेडरूम से ही हम ये बैक साइड का व्यू दिखा रहे हैं, और बैठे बैठे यहाँ से हम लोग देख पा रहे थे। ये बेड हो गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो देख पा रहे थे। बाहर झूला है, बच्चे खेलते हैं। हाँ, बट वहाँ पे भी है। तो गाइज, जो वार्डरोब की कपड़े हैं जो मैं रखी थी, तो उन सारे को मैं निकाल के और वार्डरोब को एटलीस्ट अभी खाली कर देते हैं। बाकी की जो है पैकिंग वो आधा को सुलाने के बाद ही करेंगे, और क्योंकि फिर अभी आधा में मैं लग जाऊंगी। पर हाँ इतना है कि अभी वार्डरोब खाली कर देती हूँ और कल मॉर्निंग में ही निकलना है, तो मॉर्निंग के लिए तो कुछ भी काम हम नहीं छोड़ेंगे। ये पहन के जाएंगे तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, रख दो टोपी ठंड धूप निकल रही है आज, तो ब्लैक वाला टी शर्ट पहन लेना हो जाएगा। पर कहेंगे तो रख लूंगी, रख दो सब रख दो, या मतलब ज्यादा से ये कर सकते हो ऊपर रख दो, हाँ आदमी डाल देगा नहीं जब पड़ेगी तो। और ये सारे कपड़े जो है आधे का धुलने के लिए है, तो इन कपड़ों को मैं अलग रखूंगी कि वहाँ अब यहाँ कोई कपड़े नहीं धुलेंगे, सारे कपड़े वहीं अब कुछ नहीं करना है, बस अब तुम पैक कर दो। आधे जो नाइट सूट पहनेगी हाँ। उसी में चल देगी हाँ। और वहाँ जाके ये नहाएगी। आधा हम लोग को घर मिल गया है, बोलो वीडियो में बोलो घर मिल गया है, यहाँ बताओ बोलो आप बोलो गाइस को बताओ गाइस, यहाँ से बोलो ना बेटा, वहाँ मुंह नहीं आ रहा है आपका, यहाँ से हाँ अब बोलो गाइस, हम लोग के मुंह पे बारिश छा रहा है बोलो हम लोग बहुत दिनों के बाद हंस रहे हैं आज। हम लोग मतलब हमारे चेहरे पे खुशी है, हंसी है, नहीं तो हम लोग के चेहरे पे 12 बजे। गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि रहने का प्रॉब्लम नहीं है, रहने का तो आदमी होटल में रहे, पर सब इधर मांस खाने वाले लोग हैं, और ये है कि मतलब बर्तन की शुद्धता नहीं है, उससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है। तो चाहिए तो हमको मतलब साफ सुथरा नया सब चीजें चाहिए, जिससे मतलब इस चीज से हम लोग बच पाए। और मन भी नहीं मानता क्योंकि स्टार्टिंग से खाया ही नहीं है, एक भी नहीं खाया है, ना बनते देखा है घर में, ना घर में कोई खाया है, इसलिए मतलब हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और जो नहीं खाता है उनको तो होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब प्रॉब्लम थी, और होटल का भी था गाइस, फाइनेंशियल भी था, क्योंकि पैसे होटल में बहुत ज्यादा लग जाता, मैंने 25,000 एक दिन का, मतलब 25,000 सोचिए 10 दिन रुके तो मतलब 2.5 लाख रुपए चला जाता है, कुछ और काम करेगा 2.5 लाख रुपए से मतलब इनको थोड़ी इनको दे दो। तो ये सारी बातें थी, और आप लोग को वहाँ का घर भी देखने को बहुत जल्द मिलेगा कि हम लोग कैसा घर लिए हुए हैं। फिलहाल मेरी तो पैकिंग चल रही है। और आद्या के पापा का आपका रिकॉर्डिंग इसी वीडियो में देखे होंगे कि वो जो वीडियो मैं ली हूँ वो उसी टाइम जो एजेंट था उसने कॉल किया था और कंफर्मेशन के लिए, और ये ऑफिस का काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कैप्चर कर लूं ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाऊं वो सारी चीजें। तो आप लोग इस ब्लॉग में देखे होंगे कि ये बात किसी से कर रहे हैं फोन पे, तो वो वही एजेंट है जिसने हम लोग को घर दिया है, और वो कंफर्म किया और बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा इनके चेहरे पे भी स्माइल भी देखे होंगे उस टाइम, क्योंकि उसके थोड़े ही जस्ट पहले मैंने पूछा था कि क्या हुआ ईमेलों में लाया, तो ये बोले कि नहीं अभी तक नहीं आया, उससे भी बदतर चेहरा इनका बना हुआ था, बट हाँ उस टाइम मतलब थोड़ा सा स्माइल दिखा गाइस। फाइनली जो है एक सूटकेस में पैक कर चुकी हूँ, अभी एक सूटकेस में पैक कर चुकी हूँ, बाकी और भी सारे पैक करने हैं। अब जा रहे हैं आद्या को खाना खिला लेती हूँ, बाकी उसको सुलाने के बाद करेंगे। तो इसको ना मैं इधर ही खड़ा कर देती हूँ और में यहाँ पे, और ऐसे ही ला के सारा पैक करके हॉल में खड़ा कर दूँगी, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइस चलिए, आप लोग को मेरा देखने को मिलेगा नया घर कैसा है, आप लोग को जरूर हम दिखाएंगे, और आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा मेरा न्यू होम टूर, पूरा डिटेल में दिखाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। उड़न खटोला ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।